दोस्तों इस तरह के जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होते हैं जिसमें सोलर पैनल नहीं लगा रहता है वह कुछ दूर जाने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे कि यस इलेक्ट्रिक रिक्शा 80 से 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद यह डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे में आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें हम लोग इस इलेक्ट्रिक रिक्शों में सोलर पैनल लगा देंगे जिससे यह चलते रहेगा और चार्ज भी होते रहेगा और यह कभी डिस्चार्ज नहीं होगा दिन में। तो इसके लिए हम लोग दो लूम कंपनी का सोलर पैनल यूज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दो बड़ा बड़ा लूम कंपनी का सोलर पैनल है। यह बहुत ही पावरफुल सोलर पैनल है। इसका यूज करके मैंने वेल्डिंग मशीन बनाया था और पिछले इलेक्ट्रिक बाइक में तो इसको लगाया ही था जो बहुत ही परफेक्टली ढंग से काम कर रहा था और आवश्यकता के अनुसार भी ज़्यादा चार्ज कर दे रहा था। तो चलिए इस सोलर पैनल को इस ई रिक्शा पर फिक्स करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस सोलर पैनल को यहाँ से फिक्स कर दे रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली इस तरह से रखेंगे ताकि दोनों सोलर पैनल ईजिली फिक्स बैठ सके। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इस सिस्टम को चेक करने के लिए हम लोग पूरे अपने गांव का टूर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैं अब इस वायर को इसके बैटरी में कनेक्ट कर दे रहा हूं। इसमें चार बैटरी लगता है 12 वोल्ट का और हमारा एक सोलर पैनल 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पर दो सोलर पैनल है जो दोनों सोलर पैनल मिल करके चार बैटरी को ईजिली चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इसमें मैं पहले से ही वायर कनेक्ट कर दिया हूँ ताकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर सारा कनेक्शन फाइनल हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये बड़ा सा चार्जर है जिससे यह ई रिक्शा चार्ज होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह 975 वाट प्रोड्यूस करता है और हमारा सोलर पैनल 750 वाट प्रोड्यूस करता है, यानी इसमें बहुत ही थोड़ा सा का अंतर है। तो चलिए अब इससे शेयर करना स्टार्ट करते हैं और इसका टेस्ट भी हो जाएगा, पावर टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर अभी बैटरी फुल चार्ज है और यहाँ पर देख सकते हैं 3750 किलोमीटर अभी दिखा रहा है और बैटरी भी फुल चार्ज है। तो चलिए अब घूमते हैं और फिर देखते हैं डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं अब पीछे बैठ जा रहा हूँ, चला जाए स्टार्ट करना क्या है, स्टार्ट ही रहता है। डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, वहां पर थोड़ा सा भी डिस्चार्ज नहीं ना हो रहा है, थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है। बहुत ही कमाल का होता है। तो अब हम लोग लस्सी पीने वाले हैं, यहाँ पर बनाया जाएगा। चीनी मिक्स कर दिया गया, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही टेस्टी लगा और हम लोग आगे जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या कितना दूर तक आप चल रहा है। यहाँ पर हमारा कैमरा है। अब दोस्तों हम लोग अपने गांव के दूसरे तरफ जा रहे हैं। इस तरह से तो हम लोग इस यहाँ तक से यहाँ पर गांव समाप्त होता है। तो दोस्तों अब हम लोग मेले में जाने वाले हैं, यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मेला में
आया हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं यह गांव का मेला है, हमारे गांव का मेला है। यह महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे मेला लगा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लकड़ी के सामान यहाँ पे बिकते हैं, अलग अलग शॉप्स हैं यहाँ पे, फर्नीचर के सामान बिकते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं कितने सारे सामान हैं। अरे बाबू इधर आ इस पर बैठ के चलो चलो बैठो इस पर बैठो यहाँ पर बैठो इधर इधर बैठो इधर बैठो 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 इस पर बैठो बैठो छोड़ दिया जाएगा छोड़ दिया जाएगा। ये स्कूल से जा रहा था, लो इन लोगों को भी घर पर छोड़ देंगे लो हम लोग। चलिए चलिए चलते रहिए चलते रहिए। तुम किस क्लास में पढ़ती है? वन में। तुम? एलकेजी में। नहीं यूकेजी में। यूकेजी में पढ़ता है? एलकेजी में। चलो ठीक है। कहाँ घर है तुम लोग का? इधर। अच्छा चलो दोस्तों, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे वहां पर फिर से वापस आ चुके हैं। और यहां पर देख सकते हैं लगभग हम लोग 50 किलोमीटर का दूरी तय किए हैं। यहां पर देख सकते हैं लगभग 50 किलोमीटर तक चल चुका है और थोड़ा सा भी डिस्चार्ज नहीं हुआ है। जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं उतना सोलर पैनल से फिर से मिल जा रहा है और थोड़ा सा भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। दोस्तों फिर से मैं इस सिस्टम का कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं सिंपली इस दो बैटरी में कनेक्ट किया हूँ। यहाँ पर एक वायर है, एक वायर वहाँ पर है, दोनों बैटरी मिलकर के 24 वोल्ट का है। इसी तरह से इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर लॉक लगाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक बैटरी वहाँ पर है, एक बैटरी यहाँ पर है, तो एक वायर यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ और दूसरा वायर वहाँ पर कनेक्टेड है। इस तरह से यह 24 वोल्ट एक सोलर पैनल से चार्ज हो रहा है और 24 वोल्ट एक सोलर पैनल से चार्ज हो रहा है। दोस्तों अगर इस पर लोड ज़्यादा नहीं दिया जाए और इसको चलाते रहा जाए तो यह डिस्चार्ज नहीं होगा, अगर धूप निकला हुआ रहे तब अच्छा से। दोस्तों यह बहुत ही कमाल का सिस्टम है। आगे आने वाले दिनों में बैटरी और सोलर पैनल का ही यूज होने वाला है व्हीकल्स में, क्योंकि यह पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है और साथ ही साथ इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। ऐसे में लूम कंपनी हमारे देश इंडिया के लिए बहुत ही बेस्ट सोलर पैनल बना रहा है जिसका इफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा है और इसका यूज हम लोग अपने घरों में कर सकते हैं, अपने व्हीकल्स में लगा सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं लूम कंपनी का सोलर पैनल खरीदने के लिए तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाइए और खरीदिए अपना सोलर पैनल। ऐसे ही अमेजिंग साइंस वीडियोस देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट साइंस वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।